मुखं करोति वाचालं मुरलंग्रियते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन करते हुए ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनम् अद्य वयं कुर्मः। संस्कृत मानवय प्रथम पत्रस्य प्रवंश महाकाव्यस्य षष्ठ सर्गम्। महाकवि कालिदास विरचित इंदुमती स्वयंवरस्य वर्णनम् निहितम्। महाकवि कालिदास की रचित इस महाकाव्य को इंदुमती स्वयंवर वर्णन का जो छठा भाग है वो पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो दूसरा श्लोक है उस श्लोक का स्वयं प्रसंग व्याख्या शानवय का अध्ययन करेंगे। तो हम सब मिलकर के उच्चारण करेंगे, श्लोक पाठ करेंगे। रति गृहीता आकर्षण होता है। श्री यहां पर इसका एक जीवंत रूप से
ऐसा सुंदर वर्णन करके महाकवि कालिदास ने हमें एक अच्छी प्रस्तुति देते हुए बताना चाहा है कि ऐसा स्वरूप था जिसको देख करके समस्त राजा लोग हिंदुमती तो अभी भूत होनी थी लेकिन राजा लोग उनके मन में सबके निराश थे, ऐसा नैराश्य छा गया। इसलिए रति का जो सुंदर वर्णन है, राजा का जो सुंदर वर्णन है, उसको महाकवि कालिदास ने अपने शब्दों में जिस रूप में प्रस्तुत किया है वो ग्राह्य है, अनुकरणीय है और शिक्षा प्रद है। रते कामदेव पतन्या, रते कामदेव पतन्या गृहीतान मयेन स्वीकृत प्रार्थना माध्यमेन। सर्वप्रथम जो व्याख्या करते हैं पहले विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम के अनुसार इसका जो अंक है वो निर्धारण किया गया है। तो एक श्लोक की समस्त जो ये अन्वय व्याख्या समास अलंकार विधि पूर्वक अगर हम करेंगे तो हमारे को पूरे अंक जो निर्धारित है उनका लाभ मिलता है। ईश्वरेण भगवता स्थिरेण प्रत्यर्पिता स्वर्णम प्रदत्त हो शरीरम कामम मदनम इव यथा काकुत्सम अजम काकुत्सम अंशस्येव रघुवंशेव आलोकितं विलोकेतं नृपाणां भूमानां मनः हृदय हिंदुमती विराट विदर्भदे विदर्भदे विदर्भराज भोजस्य हिंदुमती उनका समास भी हम करेंगे। तो समासिक जो शब्द है उनका समास जिस रूप में करते हुए हम मतलब छात्र हित के लिए और एक विधि सम्मत व्यवस्था के लिए परम आवश्यक है। तो गृहीता अनुयेन, यहाँ गृहीता अनुयेन है, गृहीता अनुयेन सह गृहीता अनुयेन अर्थात यहाँ बहुव्रीहि समास प्रत्यर्पित स्वांगम यशिष प्रत्यर्पित स्वांग अमेव बहुव्रीहि समास निर्गत हमसे भी नियमित रूप से जुड़े हुए रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।